दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनवी लाइव। आज मैं आप लोगों को अनवी की फ्लाइट जर्नी दिखाने वाली हूँ। वैसे आप लोगों ने अनवी की ट्रेन जर्नी देख ली, वो ट्रेन में बहुत एंजॉय की, बिल्कुल परेशान नहीं की हम लोगों को आने में। अब देखते हैं वो फ्लाइट में क्या करती है। वैसे ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट नहीं है, ये फोर्थ टाइम है उसको हम लोग फ्लाइट पर लेके जा रहे हैं। बाकी टाइम तो वो बहुत इंजॉय की थी, ज़्यादा परेशान नहीं की थी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो तो सो ही गई थी ऊपर में जा करके। बट देखती हूँ इस बार क्या करती है। चलो फिर आप लोग भी देखो वो क्या तूफान मचाती है या शांति से जाती है। चलिए फिर देखते हैं अनवी को फ्लाइट। ये देखिए अनवी को, अनवी बिल्कुल रेडी है। बस अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तो जो थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है उसमें सबके साथ ये टाइम स्पेंड कर रही है, खेल रही है सारे फैमिली मेम्बर के साथ। ये बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी, सब लोग इसको बहुत मिस करने वाले हैं और ये भी बहुत मिस करने वाली है सबको। हम लोग अनवी के मुंडन के लिए अपना होम टाउन आए हुए थे, तो आए उसके तुरंत बाद ही लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से काफ़ी टाइम मिल गया था हम लोगों को घर पे टाइम स्पेंड करने का, अपने होम टाउन में रहने का, अपने फैमिली के साथ रहने का। अनवी को भी बहुत टाइम मिल गया सबके साथ, और इस दौरान ये इतने अच्छी तरह से सबके साथ घुल मिल गई थी कि ये बहुत मिस करने वाली है सबको। जैसे ही हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए, गाड़ी में बैठे, ये इतनी तेज़ की रोने लगी, सबको रुला दिया इसने लास्ट टाइम पे निकलते वक्त। इसको देख के सब लोग रोने लगे, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वो। सब लोग बहुत सैड थे, अनवी भी बहुत सैड थी। हमारे घर से एयरपोर्ट तक का रास्ता लगभग 1-1.5 घंटे का है। ये पूरा टाइम ऐसे ही सैड ही थी रास्ते में, कहीं पे ना कुछ बोली, ना हंसी, ना कुछ रिएक्ट की, बस गुमसुम सी थी। पता नहीं ये फ्लाइट में क्या करने वाली है, पूरे रास्ते भर तो ये कुछ बोली नहीं, बहुत ही सैड थी। देखते हैं क्या करेगी ये फ्लाइट में। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट। ये है एयरपोर्ट की बाउंड्री, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। इंटर कर रहे हैं हम लोग। अभी तो बहुत ही खाली है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखिए अनवी को, आराम से सो रही है ये मम्मा के गोद में। हम लोग एयरपोर्ट के अंदर इंटर कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। अब ये देखिए अनवी जाग चुकी हैं, देख रही हैं खाली एयरपोर्ट को। हाय कर दो, हाय कर दो, हेलो हेलो। अब हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। पापा पीपी किट पहन के रेडी हो रहे हैं, अब हम लोग फ्लाइट के अंदर इंटर करने वाले हैं। ये रही हमारी फ्लाइट, ये रेशिया। अब देखते हैं इसका फ्लाइट के अंदर का रिएक्शन क्या रहता है। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी सीट पे। ये तो शौक में है अनवी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इन लोग। देखिए एक बार तो रोई थी कि कहाँ लेकर आ गए मुझे, फिर ठीक हो गई थोड़ी देर में। Thank you.
लोग अपने सीट पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम लोग अंदर सीट पर बैठे, ये थोड़ा सा रोई बट ठीक हो गई बैठने के बाद। अब देखो ये अपने बोतल से पानी पी रही है। पूरा टाइम ये पानी पीती रही, बोतल से खेलती रही अपने। थोड़ा सा सोई भी ऊपर में जा करके। वैसे एक हाथ में सैनिटाइजर और एक हाथ में बोतल, दोनों से खेलती खेलती पहुंच गई है घर पे। अब हम लोग जा रहे हैं टेक ऑफ के लिए। अब ये देखिए अनवी को, खेल खेल कर थक चुकी है बिल्कुल। अब ये सो रही हैं आराम से। अब ये देखिए अनवी को जाग चुकी है, ये खेल रही है अपने पापा के साथ। Ladies and gentlemen, this is the 95745 from Ranchi Delhi. Ground members, we kindly deeply announce they're ready for departure. Thank you. अब हम लोग फ्लाइट से बाहर निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए। मज़ा आया? हाँ बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस। ये रहा हमारा लगेज, दोनों आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। पापा सामान लो रहे हैं। अब हम लोग
दोस्तों अब हम लोग एयरपोर्ट के बाहर निकल चुके हैं, हमारी कैब आ चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अनवी का फ्लाइट एक्सपीरियंस आप लोगों ने देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।